अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आईएसटी वेरी बर्ड्स चैनल। तो आज की हमारी वीडियो क्रिमिनो बर्ड के बारे में है। क्रिमिनो बर्ड एक बहुत ही खूबसूरत और रेड आइस होने की वजह से पाकिस्तानियों की जान है। तो आज मैं आप लोगों को दो ऐसी पेयरिंग बताऊँगा जिनसे आप क्रिमिनो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर किसी का बजट कम है और वो चाहता है कि उसके पास क्रिमिनो आ जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अच्छे साइज़ के क्रिमिनो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इन दोनों पेयरिंग्स के बारे में बताता हूँ जिनसे आप कम बजट में भी क्रिमिनो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जी, सबसे पहला जो पेयर है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो है पार्पलस प्लेटिनो और उसके साथ अल्बाइनो रेड आइस का पीस है। जब आप अल्बाइनो रेड आइस के साथ पार्पलस प्लेटिनो का पीस लगाएंगे तो इसमें से आपके पास क्रिमिनोज भी आएंगे, अल्बाइनो रेड आइस भी आएंगे और अल्बाइनो ब्लैक आइस भी आएंगे जो कि रेड आइस के स्प्लिट होंगे, और उनमें से आपके पास जो भी फिशरीज आएंगी वो सब इनो स्प्लिट होंगी। जितने भी ब्लैक आइस बचे आएंगे वो सब के सब स्प्लिट इनो होंगे, क्योंकि इस पेयर में आप माँ बाप में से एक पीस अल्बाइनो रेड आइस का यूज़ कर रहे हैं। और जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है जो है क्रिमिनो, वो इस सस्ती पेयरिंग में से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इस पेयरिंग में एक और बात है कि अगर पार्पलस प्लेटिनो के फेस पर कोई मास्किंग आ रही है या वो पाइड में है, इससे आपके रिजल्ट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास क्रिमिनो ज़रूर आएंगे, ये मैटर नहीं करता कि इसमें आपके पास पार्पलो का मेल है या फीमेल है, क्योंकि क्रिमिनो और अल्बाइनो रेड आइज में किसी भी किस्म की कोई मास्किंग नहीं आती, इसलिए ये चीज़ इस पेयर में मैटर नहीं करती। लेकिन जो आपका पार्पलो का पीस है वो कन्फर्म स्प्लेटिनो होना लाजमी है। अगर आपका पार्पलो स्प्लेटिनो नहीं होगा तो आपके पास कोई भी रेड आई बच्चा नहीं आएगा, ना अल्बाइनो रेड आइज आएगा और ना ही क्रिमिनो आएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे भी पार्पलो का पीस खरीदें वो एक रिनाउंड ब्रीडर हो, जानने वाला हो, भरोसे वाला बंदा हो, क्योंकि आजकल स्प्लिट लोग झूठ बोल कर बेच देते हैं और स्प्लिट की कोई निशानी नहीं है। मतलब आप लोग देख के नहीं बता सकते कि ये बर्ड स्प्लिट है या नहीं। मतलब स्प्लेटिनो होने का क्या मतलब है? ये जो बच्चा निकला है पार्पलो, इसके पेरेंट्स में इसका फादर या मदर में से कोई एक पीस जो था वो रेड आइस था, तो ऐसी पेयरिंग में से जो भी ब्लैक आइस बर्ड निकलता है वो स्प्लिट इनो होता है, इनो रेड आइस को कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनो की वर्किंग के लिए आपने जो भी ब्लैक आई बर्ड लगाया है जैसे कि पार्पलो, वो स्प्लिट इनो होना लाजमी है। इसको आपने पेयर अप करना है अल्बाइनो रेड आइस के साथ। अच्छा, इसी में काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि पार्पलो स्प्लिट इनो मेल होना चाहिए या फीमेल होनी चाहिए। देखिए, मेल और फीमेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेल भी यूज़ करवा सकते हैं, फीमेल भी यूज़ करवा सकते हैं, आपके पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके दोनों पीसेस अच्छी ब्लड लाइन के होने चाहिए ताकि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। ब्लड लाइन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके पास बच्चे सर्वाइव करेंगे। वरना इस पेयरिंग में से भी जितने रेड आइज बच्चे होते हैं लोगों के पास, वो सर्वाइव नहीं करते और मर जाते हैं। आपने किसी अच्छे ब्रीडर से अच्छी लाइन के बर्ड्स लेने हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस पेयर की प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अच्छी लाइन का बर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपको इस तरह का बर्ड अगर थोड़ा महंगा भी मिले तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता बर्ड ले लें, वरना आपके पास अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। किसी अच्छे ब्रीडर से पार्पलो स्प्लिट इनो टू अल्बाइनो रेड आइज का पेयर आपको तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 तक अच्छी ब्लड लाइन का मिल जाना चाहिए। अच्छी ब्लड लाइन वाला अल्बाइनो रेड आइज आपको तकरीबन 15,000 से 20,000 तक मिल जाता है। पार्पलो स्प्लिट इनो भी आपको तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये तक मिल जाता है। ये तो हो गया पेयर नंबर वन। अब बात कर लेते हैं पेयर नंबर टू के बारे में, जिससे आपके पास क्रिमिनो चिक्स आएंगे। ये है पेयर नंबर टू। ये जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है ये, इसको कहते हैं पार्पलो पेस्टल स्प्लिट इनो, और इसके साथ आपने अल्बाइनो रेड आइज लगाना है। आप ये देखेंगे क्रिमिनो की वर्किंग के लिए अल्बाइनो रेड आइज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप अल्बाइनो रेड आइज के साथ क्रिमिनो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा है तो मैं आपको ये पेयरिंग लाजमी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें से आपके पास क्रिमिनो भी आएंगे, अल्बाइनो रेड आइज भी आएंगे, टैकिनो भी आएंगे और पार्पलो पेस्टलिनोज भी आएंगे और ब्लू पेस्टलिनोज भी आएंगे। अच्छा, इस पेयर में भी पार्पलो पेस्टल का मेल होना या फीमेल होना ज़रूरी नहीं है। आप इसका मेल भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सेम ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपने बर्ड अच्छी और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का ही लेना है, वरना कुछ लोग कहते हैं कि इनो जीन वीक ब्लड है, इसके बच्चे सर्वाइव नहीं करते। लेकिन आप अच्छी ब्लड लाइन का बर्ड लेंगे तो आपके पास बच्चे ज़रूर सर्वाइव करेंगे।
अच्छा, पेस्टोरिनो की प्राइस पार्मलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। एक अच्छी ब्रेड लाइन का बर्ड आपको तकरीबन 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक मिल जाता है। इसका थोड़ा महंगा होने की वजह ये भी है कि इसमें से क्रीमिनो की रेशो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये एक पेयर है आपका क्रीमिनो वर्किंग के लिए, ये पेयर भी आपको तकरीबन 40,000 से लेकर 45,000 तक मिल जाता है। पहला पेयर आपका तकरीबन 35,000 से 40,000 का बनेगा और दूसरा पेयर आपका तकरीबन 40,000 से 45,000 तक बनेगा। दोनों पेयरिंग में से आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्रीमिनोज आएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि आप क्रीमिनो कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।